और ऋग्वेद पर रॉन्ग साइड में चल रहे वाहनों की वजह से आए दिन हो रहे हादसे से सबक लेते हुए यातायात पुलिस ने रॉन्ग साइड चलने वाले दुपहिया वाहनों के चालान काटकर अगली बार रॉन्ग साइड नहीं चलने की सख्त हिदायत दी। रविवार को यातायात पुलिस के जवानों ने दिन भर यातायात पुलिस घुमटी के पास से ओवर ब्रिज पर नजर बनाए रखी। इस दौरान यातायात पुलिस को जो भी रॉन्ग साइड से ओवर ब्रिज पर जाता या आता हुआ नजर आया तो उसे रुकवा कर चालान काटा। राजकीय अस्पताल के सामने स्थित ओवर ब्रिज पर रॉन्ग साइड चल रहे वाहनों की वजह से आए दिन हो रहे हादसों से सबक लेते हुए यातायात पुलिस ने रॉन्ग साइड चलने वाले दुपहिया वाहनों के चालान काटकर अगली बार रॉन्ग साइड पर नहीं चलने की सख्त हिदायत दी। रविवार को यातायात पुलिस के जवानों ने दिन भर यातायात पुलिस घुमटी के पास से ओवर ब्रिज पर नजर बनाए रखी। इस दौरान यातायात पुलिस को जो भी रॉन्ग साइड से ओवर ब्रिज पर जाता या आता हुआ नजर आया उसे रुकवा कर चालान काटा। हालांकि कई लोग यातायात पुलिस को चकमा देकर भागने में भी सफल रहे, लेकिन अधिकांश लोग पर यातायात पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चालान काटा। इस दौरान लोगों से ओवरब्रिज पर नहीं चलने की समझाइश करते यातायात पुलिस के जवानों ने कहा कि ओवरब्रिज पर रॉन्ग साइड वाहनों की वजह से हर रोज हादसे हो रहे हैं। ऐसे में लोग रॉन्ग साइड नहीं चलें और अगर कोई रॉन्ग साइड से चलता हुआ पाया गया तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और चालान काटा जाएगा। गौरतलब है कि बाड़मेर के राजकीय अस्पताल के सामने स्थित ओवरब्रिज पर लंबे समय से रॉन्ग साइड से गुजरने वाले वाहनों से समस्या बनी हुई है। यातायात पुलिस की नियमित निगरानी नहीं होने से लोग अपने वाहनों से बेरोक टोक मनमर्जी से रॉन्ग साइड चलते रहते हैं। रॉन्ग साइड वाहनों की वजह से कई लोग हादसों में अपनी जान तक गंवा बैठे। डीसी लाइव ने भी कई मरतबा अपनी खबरों के जरिए यह समस्या जिम्मेदारों के सामने रखी। ऐसे में रविवार को यातायात पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई लोगों के चालान काटे तो कई लोगों से ओवरब्रिज पर रॉन्ग साइड नहीं चलने की समझाइश की गई।